तो इस समय की जो है सबसे बड़ी भर्ती आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप फाइव अगर हम व्यापम के सबसे बड़ी भर्ती की बात करें, जी हाँ, जिसमें आपका जो है 400 पदों पर जो है हॉस्टल वार्डन की भर्ती होगा, और इसके साथ ही आपका जो है 250-250 पदों पर जो है ADO का भर्ती होगा, साथ में जो है 288 पदों पर जो है सिंचाई विभाग में आमीन पटवारी का भर्ती होगा, इसके साथ ही 198 पदों पर जो है RI राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती होगा, साथ में जो है आपका महिला पर्यवेक्षक के 116 पदों पर भर्ती होगा। तो इन सभी भर्ती परीक्षा के बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट जो भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके अलावा जो है किस तरह से पढ़ाई कर सकते हो, किस तरह से मेहनत कर सकते हो, और जिससे कि आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सके, सभी जानकारी मेरे चैनल्स पर जो आपको मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी, आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ व्यापम 2023 से सबसे बड़ी अपडेट्स हैं, सबसे बड़ी भर्ती हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आप में से हर एक स्टूडेंट डिजर्व करते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। और अपने आप को रिग्रेट महसूस कभी भी मत होने देना कि यार लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जो है 116 पोस्ट के बारे में, महिला पर्यवेक्षक के, तो महिला पर्यवेक्षक के 116 पोस्ट जो है इसके लिए आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है, कुछ ही दिनों में इसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपका 12वीं जो है पास होना चाहिए। तो लड़कियों के लिए जो है एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा जो है सुनहरा मौका है, तो इस सुनहरा अवसर को, इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर अपने हाथ से जाने दिया, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी से मौका आपको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप पर जो है बिलीव करना है, और जितना ज़्यादा आपको खुद के ऊपर बिलीव होगा, मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ पाओगे। और 116 पोस्ट आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न, 100 प्रश्न जो है आपके जो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी कुल टोटल 200 अंकों के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा। 3 घंटे में आपको जो है 200 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चंस को यानी 200 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें आपका हिंदी से प्रश्न आएगा, इंग्लिश से प्रश्न आएगा, आपके जो है जनरल नॉलेज से प्रश्न आएगा, करंट अफेयर्स से, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से, आपके जो है जनरल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ में अगर हम अगली भर्ती की बात करें, जो RI के पोस्ट हैं 198 पदों पर, राजस्व निरीक्षक जिसे बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो है RI राजस्व निरीक्षक रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, आपको उतनी ही ज़्यादा सफलता, आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबी जो है मिलेगा। तो सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, सफलता के बारे में सोचने से, उसके बारे में बस सोचने से कामयाबी नहीं मिलने वाला, उसके लिए लगातार आपको काम करना पड़ेगा, लगातार आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी जो है ना कब मिल जाए ये पता ही नहीं होता। तो राजस्व निरीक्षक यदि आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष जो है होना चाहिए मिनिमम। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका कम उम्र होता है, वो आवेदन कर देते हैं, बिल्कुल नहीं आवेदन करोगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मिनिमम 21 वर्ष आपका होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष, और छूट भी मिलता है UCMA में, SC ST को 5 वर्ष का, OBC को 3 वर्ष का। साथ में आपको ये भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ रोजगार पंजीयन के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो रोजगार पंजीयन को लाइटली लेते हैं, ऐसा नहीं है, रोजगार पंजीयन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जब भी आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, आपका जो है रोजगार पंजीयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनका रोजगार पंजीयन हो चुका है बहुत अच्छी बात है, और जिनका रोजगार पंजीयन अगर नहीं हुआ, तो रोजगार पंजीयन जो है अवश्य रूप से करा लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। कि ये चीज़ें होता है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जो है कैपेबल हो, एलिजिबल हो, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है।
ये चीज़ें हैं। साथ में जो है आमीन पटवारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी सिंचाई विभाग में जो है 288 पदों पर भर्ती होगा। आमीन पटवारी में सैलरी की अगर बात किया जाए तो 21,000 रुपये जो है आपको प्रत्येक माह जो है सैलरी मिलता है, और धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका इंक्रीज़ होता जाता है। तो देखिए, कोई भी हो, आपको 21,000 रुपये अगर प्रत्येक माह सैलरी मिलेगा तो इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सभी चीज़ें रंगीन नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके उम्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तनाव, परेशानी, चिंता, ये सभी चीज़ें बढ़ती जाएगी कि यार हमारे पास इनकम का सोर्सेस नहीं, हमारे पास पैसे का रिसोर्सेस नहीं, हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे, किस तरह से हम जो है सर्वाइव कर पाएंगे, ये चीज़ें। फिर आप बस उसी चीज़ों को बार बार सोचते रहते हो और उसी चीज़ पर रिग्रेट करते रहते हो, और हमारा ज़िंदगी बेहतर हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, हमें कामयाबी मिल पाएगा फिर नहीं मिल पाएगा, आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फिर आप जो है सोचने लगते हैं। तो इसलिए भाई, ज़िंदगी में खाली सोचने से ना कुछ नहीं मिलता। उन सपनों को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगातार काम करो, लगातार तत्पर मेहनत करो। मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी सफलता मिल सकती, इसका ना सफलता का कोई स्पेसिफिक डेट फिक्स ही नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो यही चीज़ तो नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि कभी भी सफलता मिल सकती, हमने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, नहीं मिल रहा तो अब नहीं मिल पाएगा। ये आप लोगों की गलत सोच है। आप काम करते जाओ, बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एकदम सत्य बात है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, क्योंकि काम करना, पढ़ाई करना, ये आपके हाथ में है। रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपके ऊपर नहीं है। आपका काम है सिर्फ भाई काम करना। तो जो चीज़ आप कर सकते हो वो काम करो। साथ में जो है एडीओ की बात करें तो 250 पदों पर, 250 पदों पर भर्ती होने वाला। तो यदि आप एडीओ बनना चाहते हैं, सहायक विकास से सारे अधिकारी बनना चाहते हैं, 35,000 रुपये सैलरी मिलता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष। एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 वर्ष का। तो आप जो है इन सभी भर्ती परीक्षा के, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ में हो, मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिल पाएगा, मेहनत करोगे तभी सफलता का स्वाद आपको चखने को मिलेगा। तो मेहनत अच्छे से करो, तैयारी अच्छे से करो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे, और आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी बेहतर ज़रूर होगा। बस उस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा और आप लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कई लोग होते हैं, देखिए, अब मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं सभी को तो खुश नहीं कर सकता। कई लोगों को आप कितना भी अच्छा चीज़ें क्यों ना बताएं, कितना भी अच्छा वीडियो में क्यों ना अब बातें अपनी एक्सप्लेन करें, कुछ लोग होते हैं जिनको चीज़ें पसंद ही नहीं आते। कभी भी हो, किसी के साथ ऐसा हमेशा ही होता है। तो बहुत से लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। चल, निगेटिव कमेंट करते हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, ये उनकी ओपिनियन है। जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनको थैंक यू। सो कमेंट ज़रूर करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। आप ही लोगों के लिए वीडियोस मैं बनाता हूँ।